हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आजकल मैं बहुत बिज़ी हो गई थी क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी मेरी बहन लोग आई थी शॉपिंग के लिए, और ये मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो पार्टी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन का जो मैं गई थी जैतपुर। और ये चंदा भाभी, इनका नाम तलत है, मेरे हस्बैंड के मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड की वाइफ है, और वहाँ पर मैं गई थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे बहुत मानती हैं, ऐसे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, मानते हैं तो अच्छा लगता है, और मुझे अब मानने वाले बहुत हैं, ऐसा नहीं एक दो, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अल्लाह का शुक्र है। और मैंने गाउन पहना था, ये ब्लू गाउन मैं पहन चुकी हूँ शादी में अपनी नीस की, और ये मैंने कुछ पिक्चर उनके साथ भी लिया है। वो बहुत उन्होंने अच्छा खाना बनाया था, बहुत अच्छा इंतजाम रखा था, बच्चे भी 3-4 आए थे, और उनके जो बगल में पड़ोसी लोग थे उनको भी खाना उन्होंने भेज दिया। तो उन्होंने 2 केक मंगाया था क्योंकि एक बर्थडे था, एक दिन अलीना का 21st को और 23rd को था अमर का था, इसलिए उन्होंने हम लोग के चलते उसी दिन बना लिया। और यहाँ मैं अलीना से बात कर रही हूँ, अलीना मुझे पहचानती है, अलीना 2 साल की हो गई है, और क्या बोलते हैं, मैं उसे कह रही हूँ थोड़ा सा पोज दो, कुछ बोलो, हेलो कहो, ये करो, वो कुछ बोल नहीं रही है। और उसने पहना पिंक फ्रॉक, बहुत अच्छी लग रही, बाबी डॉल जैसी। मैंने उसे कहा अपनी बैंगल दिखाओ, तो अपनी बैंगल वो दिखा रही है, और सच में ये बहुत ही क्यूट लग रही थी। मुझे लड़कियाँ बेटियाँ बहुत पसंद है, मैं बहुत मानती हूँ, मेरे नीचे में भी रहती है, नीचे साजू भाई की बेटी सारू, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे पास आती कम है, बट मैं जब जाती हूँ तो हमेशा वो मुझसे अटैच हो जाती है, इसलिए मुझे लड़कियां बहुत पसंद है। आप लोग को भी कहते हैं ना, जब जिस घर में बेटियां हों तो उसमें मतलब घर में रहमत आती है, सच में बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। हम तो खुद 5 बहनें हैं, तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ। और यहां पर मैंने डोरेमोन वाले भी केक लिया, ये एक केक है तैमूर का, और पिंक वाला केक है उसका अलीना का। तैमूर बड़ा है अलीना से, तैमूर 5 साल का हो गया, अलीना 2 साल की हो गई, और सच में इन लोग का मतलब अच्छा है, मतलब एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। और केक ज़्यादा बच्चे लोगों को क्या होता है, क्रीमी केक पसंद होता है, तो केक का तो फ्लेवर अच्छा था, अंदर से पाइनएप्पल फ्लेवर का टेस्ट आ रहा था। और यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स थे बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए मंगाया गया था, चिप्स चॉकलेट केक था, और इसमें वाइट रसगुल्ला था, कोल्ड ड्रिंक भी था, सब कुछ था, माजा था, बिरयानी था, अच्छे से हम लोगों ने भरपेट खाया पिया। और मतलब कहते हैं पार्टी में जाओ तो आपको तो खाना पीना चलता ही रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केक लगा दिया गया, हम लोग वहाँ पर 8:40 से पहुँचे थे, यहाँ से निकले थे, तो हमें वहाँ पे जैतपुर गड्ढा कॉलोनी में जाने में कम से कम 30 मिनट लग जाता है, क्योंकि जाने टाइम बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा गाड़ी। ये डेकोरेशन उनके भाई ने किया था, तारिक ने, तारिक से भी मैं मिली, बहुत ही अच्छा स्वीट लगा मुझे। तारिक और उनका जैसे भाई, छोटा तो मेरे लिए भाई है, और वो इंटरव्यू देने आया है, और वो शायद जा रहा है सऊदी जॉब करने, और ये भाभी के भी अबू बाहर में ही जॉब करते हैं, ये दोनों 2 ही भाई बहन है। और इनका ये तैमूर ही मुझे बहुत मानता है, ये मुझे शमा मम्मी, इसने मेरी लाइफ में भी आ करके मेरे लिए बहुत सारी बातें बोली थी, आप मेरी लाइफ में जाकर देखना, पता चल जाएगा। और यहाँ पे अलीना का वेट नहीं किया जा रहा, वो पहले से ही हाथ मार रही कि वो जल्दी से टॉफ़ी खा ले। और एक और बच्चा बगल से आया था, पड़ोसी में उनकी कोई दोस्त है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है तैमूर, ये बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही मतलब कहती हो ना कि ये है, मतलब कहते हैं नॉटी, एक होता है बच्चों में शरारत होना चाहिए, शरारती उतना ज़्यादा नहीं है, मगर ये कि बहुत अच्छा बच्चा है, शांत बच्चा है, और पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है अच्छे से, सब चीज़ का नॉलेज है, और बहुत मतलब कह सकती हूँ कि हाँ वेल मैनर्ड डिसिप्लिन बच्चा है। और अलीना ये बहुत प्यारी लग रही थी, उसने टॉफ़ी ले लिया है, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि जितना देर मत करिए ना, तो सब बच्चा लोग केक पहले से ही खा लेगा। और बगल से कुछ बच्चे आए थे, मैं दिखाऊंगी, मैं उसका वीडियो दिखाऊंगी, उस्मान नाम था और एक और लड़का था, तो उसने तो पहले ही से केक को टच करके क्रीम चाटना स्टार्ट किया, उसे भी वेट नहीं हो रहा था, वो भी 2 साल का, बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चे को क्या उतना पता होता है, बच्चे को तो लगता है बस केक है पेस्ट्री है चलो खा लो, उन्हें थोड़ी मालूम होता है कि हमें केक कट करके खाना है। तो वो बच्चे का मैं दिखाऊँगी, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, बहुत ही क्यूट बच्चा था, बहुत ही अब बदमाश, मतलब बच्चे वो नॉटी भी था काफ़ी, मगर ये था कि चलो अच्छा बच्चा था। अब बच्चे तो थोड़ा सा बदमाश होते ही हैं, कुछ किसी के ज़्यादा किसी के कम होते हैं, और हमारा तैमूर तो है ही सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा बच्चा है ये। हाँ ये बच्चा देखिए, ये जो साइड में खड़ा है, इसे इसके अंदर पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं था, ये बस केक पे अटैक करने वाला, और मेरे हस्बैंड लोग हम सब के हाथ से रहते हैं कि जल्दी से केक कट करो, इसी बच्चे को दो, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, केक कटे, बच्चे को ज़्यादा इंतज़ार होता है कि केक जल्दी से कटे और बच्चे को मिल जाए। हमें यहाँ बहुत मज़ा आया क्योंकि वो जो बच्चा था उस्मान, उसने बहुत हमें हंसाया, उसकी मैंने अलग से स्पेशली वीडियो ली है। और यहाँ मैं तैमूर कह रही हूँ गुरु को मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद केक कट करना, और वो कह रहे हैं कि नहीं गाना सॉन्ग प्ले करो हैप्पी बर्थडे, तो उन्होंने स्पीकर ब्लूटूथ लगा करके कनेक्ट करके उसने स्पीकर गाना बजाया, फिर भी हम लोगों ने क्लैपिंग की उसके लिए। अभी तो वो केक नहीं कटा बट मैं वीडियो ले रही हूँ फिलहाल, और वो बच्चे को दिखाऊँगी। देखिए यहाँ पर अलीना अपना चॉकलेट खा रही है,
पहले जी सोच रहे ना कि हाँ भाई चलो केक तो नहीं, पहले पहले यही खा लो। अब यहाँ पे तैमूर केक कट करने वाला, तो मैंने से वाला रुको रुको अभी मत करना। यहाँ पे मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत वो वाला मतलब एक होता है फैमिली जोन टाइप का फीलिंग आता है, अपनी मन से जो करना है खाओ पियो, ऐसा कुछ भी नहीं रोक टोक। और वो भी आती है यहाँ पे तो बहुत कंफर्टेबल, और ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। मतलब एक कहते हैं ना कि हस्बैंड लोग की जो दोस्ती होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी उनकी वाइफ से भी अच्छी दोस्ती हो जाए, तो मेरा ऐसा कुछ कुछ लोग से है कि जो मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है। और ये कहते हैं ना दोस्ती एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होती है। वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, तो इसलिए मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और बहुत मानती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ ये वीडियो ले ली हूँ कि यहाँ पर वो दोनों को मैंने उनका फेस हाइड कर दिया है, क्योंकि मतलब हो सकता है अच्छा ना लगे। और यहाँ पर देखिए केक फाइनली इन लोग कट कर रहे हैं, यहाँ पर क्लैपिंग वाली स्टार्ट हो गई है। और ये अलीना केक खा रही, और तैमूर खाने के बाद अपनी मम्मी पापा को देगा, उसके बाद सबको केक खिलाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ भी बच्चा, इसको वेट नहीं हो रहा है, वो खुद केक पे अटैक कर रहा है, उसे भी भाई अलग से दो। फिर मैं किचन में गई, जा करके केक मैंने कट करके सब बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली। और पेस्ट्री केक ज़्यादा था, भीड़ उतना थी नहीं। मतलब एक ये भी थे, इनके फ्रेंड थे जो मुंबई से आए हुए थे, और ये शायद ये भी फैमिली फ्रेंड जैसे हैं। और ये हैं तारिक, इनके भाई हैं, आज के तैमूर के मामा, और मेरे हस्बैंड ने भी। उसके बाद से क्या बोलूँ मतलब, और ये बच्चा, उसको वेट नहीं हो रहा था, वो केक बेचारा खुद ही से क्रीम ले करके वो बर्थडे, बहुत ही अच्छा बच्चा लग रहा है ये। और मुझे मतलब अच्छी दे रहा है कि लोग खाओ, मैंने कहा सो स्वीट ऑफ, क्योंकि मुझे जानता भी नहीं है, क्योंकि इतना बेचारा मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि लो आप भी ले लो, आप भी खाओ, मुझे दे रहा था। बट मैं क्रीम पसंद नहीं करती, मैंने फिर भी बोला कि लाओ मैं तुम्हें खिला देती हूँ, मैंने उसे भी खिला दिया था। और बाकी जो केक बचा है उसे बच्चों को इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। मुझे भाभी ने कहा कि क्षमा जल्दी दे दो इन लोगों को। और उसके बाद खाना पीना उन्होंने जो बनाया था, हमारे ऐसा होता है कि यहाँ पे नहीं आया तो खाना जो भी बना बाद दे दो बिल्डिंग में। मुझे खिलाया दिया था केक, और उसके बाद मैं ना हैंड वॉश करने बाद मैंने देखी बच्चे का मुँह, उसने पूरा केक खाया भी है, पूरे शक्ल पे लगा लिया। फिर मैंने जल्दी से इसे इसको मैंने बेसिन पे जा करके मैंने इसका फेस को वॉश किया अच्छे से। मैंने कहा तुम्हारा फेस वॉश कर दूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ये हो गया। कितना क्यूट लग रहा है ये बच्चा, बहुत नॉटी था, बहुत नॉटी खेल रहा था, मतलब पूरा घर में रौनक, इसने ना बर्थडे की रौनक बढ़ा दी थी। और देखिए मैं यहाँ पे इनको केक मिल गया, अब ये खा रहा है। ये अलग से मैं बोल रही हूँ लाओ मैं तुम्हारी ये से वाइप कर दूँ, आराम से मस्त मगन ये बच्चा खा रहा है। ये बच्चा है ना क्यूट, आप लोग कमेंट ज़रूर कर बताने बच्चा कैसा लगा आप लोगों को। ऐसे बच्चा होना चाहिए, शर्माए घबराए नहीं, खाए और चिल करे बस, और अपने अपने में रहे। बदमाशी अपने यहाँ पर बच्चे बदमाशी करें, पर ऐसा अपने अपने में बदमाशी करें, ऐसे नहीं किसी को हर्ट ना करें। बच्चा ऐसा हो किसी को मारे पीटे नहीं, बस अपने अपने में खुश रहें। और बच्चे को ये सब गाइडेंस माँ बाप देते हैं, पेरेंट्स का काम, बच्ची की गलती का बात, बच्ची जो घर में देखेंगे बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए पेरेंट्स का काम है कि बच्चा अच्छा बुरा जो करता है आप उन पर अच्छे गाइड प्रॉपर वे में गाइड करें, नहीं करेंगे तो आगे जाके आपके लिए नुकसान हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने बनाया था मूँगफली चटनी, जो भाभी ने कहा था बना लेना, और उन्होंने मेरी रेसिपी ट्राई की थी, उन्होंने पूछा था, और बहुत ही काफ़ी अच्छा बना था, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बना था। और मेरे हस्बैंड लोगों ने बहुत अच्छे से खाया, उन्होंने 2 kg की बिरयानी बनाई थी, 2 kg चावल, 2 kg चिकन। अब देख सकते हैं बिरयानी कितना अच्छा है, एकदम फ्लेवर मतलब स्पाइसी था, मसालेदार, और बहुत ही टेस्टी था। और उन्होंने, मैंने कहा कि नहीं मैं लेग पीस तो खाती नहीं हूँ, एक काम करिए मुझे लेग पीस मत दीजिएगा। और उसके बाद वो बिरयानी वगैरह निकाल रही थी, बिरयानी निकाल के अपने मतलब अगल बगल जो भी पड़ोस हैं उन लोगों को दे रही थी। सच में बिरयानी बहुत अच्छा बना था, मैंने इनको बहुत उस दिन ज़्यादा तारीफ मिली। क्रेडिट तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ उन्होंने बनाया तो मैं ये कहूँगी कि चलो उन वाली रेसिपी फॉलो की, उन्हें तो आता ही था बनाना, बट एक उन्होंने पूछा फिर भी क्षमा बताओ तुम कैसे बनाती हो, मैंने अपने वे में बताया और उन्होंने सच में बहुत ही अच्छा बनाया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हम लोग जब जाते हैं तो बिरयानी की दावत होती है। इस बार मैंने कहा कि नहीं बिरयानी इस बार कुछ अलग करना है। और ये शाहजी का स्पॉन्जी रसगुल्ला, ये जो बहुत ही मुझे पसंद है, उन्होंने ये भी रखा था, सबको उन्होंने दिया। और वो जब भी आती मेरे लिए मिठाई लेकर आती हैं हमेशा, वो और या इमाम भाई जो भी आते हैं लेकर आते हैं। और ये हमारा ये दही रायता है, समझिए इसको मट्ठा हम लोग कहते हैं बिहारी में, दही का रायता है। ये मूँगफली की चटनी है जो पूरी तरह महीन नहीं पिस पाए क्योंकि उसका मिक्सर का जो पॉट था वो ख़राब हो गया था। यहाँ पे केक आधा आधा दे दिया, मैं फ्रिज में रख दूँ। यहाँ पे सैलेड मैंने काट लिया था, अब लोग खाने बैठ गए, जेंट्स को एक बार खाना देने के बाद हम लोग बाद में खाएंगे, इसलिए हम लोग कहा चलो इन लोगों को दे देते हैं। 4 ही जेंट्स थे बस, और ये उनके भाई, उनके हस्बैंड के बगल के भी मतलब दोस्त हैं, कहती हैं लंगोटिया यार, और ये मेरे हस्बैंड भी दोस्त ही हैं। ये इन लोग एक दूसरे केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं,
और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो ले लिया है इन लोगों का, चलो मैं ले लेती हूँ। उसके बाद ये कैमरा में जो भी दिख रहा है डेकोरेशन, ये पूरा ख़राब, बच्चों लोगों ने थोड़ा बहुत बलून फोड़ा था, मैंने फिर भी मना कर दिया कि नहीं रहने दो, घर में अच्छा लगता है सजा हुआ डेकोरेशन, तो अच्छा लग रहा था, मज़ा आया काफ़ी। और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत मतलब अच्छी अच्छी से बात की, अपना खेला खाया और बच्चे की शरारती देखा, उसको इंजॉय किया। यहाँ पे तैमूर से मैंने कुछ क्वेश्चन किया, तैमूर अपना खिलौना दिखा रहा है अमेरिका मैन, और यहाँ पे अलीना ने ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि इसे कहते हैं लड़की लोग को ज़्यादा पसंद नहीं होता बच्चियों को कि हाँ चुभने वाला ड्रेस पहने, तो वो ड्रेस चेंज कर ली थी केक कट होने के बाद। यहाँ पे तैमूर ने पहना बर्थडे बॉय का टी शर्ट, मैंने भी तैमूर को टी शर्ट ही गिफ्ट करा है रेड कलर का, और सुना है कि उसका रेड कलर फेवरेट है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है मैंने। और यहाँ पर सुफियान केक वेक खाने के बाद पूरा अपना मस्ती में है, पूरा अपने आईना मिरर में देख खुद को एंजॉय कर रहा है। उसके बाद हमारी पारी आई उन लोग के खाने के बाद, हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया, तो हम लोग मतलब 10 बजे डिनर स्टार्ट हो गया था, हम लोगों ने 10:30 बजे खाना स्टार्ट किया, हम लोग वहाँ से 12 बजे आए थे, मतलब हम लोग 3-3.5 घंटा वहाँ पर स्टे किया था। और ये बिरयानी भी मैंने एक बार ही मैंने ले लिया चटनी की, मुझे हड्डी वाले पीस पसंद है, मैं बोनलेस पीस नहीं खाती हूँ, मैंने एक ही दो पीस खाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बस एक या दो पीस, और सैलड भी मैं लेती हूँ मेरे मस्ट है। तो यहाँ पर मैं खा रही थी, मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया और सच में बहुत मज़ा आया। थैंक यू भाभी डिनर बर्थडे पार्टी के लिए, और बस मैं ये कहूँगी कि हम लोग का जो भी बॉन्डिंग हमेशा बरकरार रहे। फिर खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो ली तारिक और तैमूर की, मैंने कहा चलो मामा इकलौते मामा इकलौते भगना को ले लें, को अच्छे से मैं इन लोगों की फ़ोटो वीडियो ले लूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा खुद को दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ मुझे मालूम है कि मैं बहुत चबी हो गई हूँ, कुछ रीज़न है, बाकी ठीक हो जाऊँगी। चलिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।